सट्टेबाजी के खेल में एक उद्यमी बीते एक माह से गायब है और परिवार ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। एक माह से हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस अदालत द्वारा इस मामले को ध्यान में लाने पर हरकत में आई और इस मामले में कल साय दो लोगों को काबू किया। अदालत के आदेशों पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर 11 लोगों को नामजद किया है। वहीं इस संबंध में घास मंडी के निकट सर्जिकल की फैक्ट्री चलाने वाले राकेश कुमार काला की पत्नी कंचन ने आरोप लगाया है कि बीते एक माह से उसका पति गायब है और उसका अपहरण कर 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने बताया कि उसका पति 23 सितंबर की सुबह घर से फैक्ट्री के लिए निकला था, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसीपी वेस्ट रविंद्र पाल सिंह संधु ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में गोरा मीट वाला तथा ओंकार सिंह को काबू किया गया है। बाकी मामले का खुलासा तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। पेश है कैमरामैन पंकज की विशेष रिपोर्ट। मिनवान जरा गोरा मीट वाला और इधर केसी ने लंबड़े तो अच्छा जी वो गड्डी जा गए ने गड्डी से मेरे घर आए, फोन भी कराया, मेरे हस्बैंड ने गल कराई है कि तुसी अपने हस्बैंड ने गल करो। मामला लेन देन का चक्कर है, हम सानू नहीं पता की चक्कर कादा लेन देन ने की हिसाब का। पैसे भी मंगे गए नहीं साडे को? तीन ही मंगे गए, मेरे हस्बैंड को मंगे थे। किन्ना? मैनू नहीं सर पता, क्योंकि कोई 7 लाख कहता क्या, कोई 4 लाख कहता, पर हूँ तो नहीं समझ आती भी लोगों ने इन्ना पैसा दे किस बेस से दिता उन्होंने, या कोई प्रॉपर्टी देखी है या कोई कुछ होर देखिया। तो सारे मेरे डैडी जी के ससुरे के ना है, दुकाना भी उन्होंने नाते है, कारखाना साडा सर्जिकल का काम है, नाल कुरियाने की दुकान है, चाह का काम नाल। हूँ ऐसे वे तो सब कुछ ठप होकर बैठा है, मैं तो अपने बच्चों स्कूल पढ़ाने पर भी बैठी हूँ, मैंने कितना पढ़ा। मेरी मांग तो यही, मेरे हस्बैंड का पता होना लगना चाहिए भी कितने है कितने नहीं है। कुछ बंदे है मेरा घर वाला उन्होंने कब्जे में है, तो मेरे को पैसे मंग रहे थे वाइफ, तो उन्होंने गड्डी और मोटरसाइकिल वगैरह उन्होंने अपने धक्के लिया है। वो ये कहते थे जे नहीं दिते तो बंदा मार देंगे, तो उन्होंने यही शक किया सा बंदा लभ नहीं रहा है, भी इन्होंने साढ़े पैसे पूरे भी ठग लिया हो रहा फिर धुके धुके। तो उन्होंने भी हाईकोर्ट अप्रोच किया जी, हाईकोर्ट ने भी ट्रैक्शन दी है केस रजिस्टर करने की, और वो मुकदम उन्हें साढ़े को कंप्लेट आई है, असं डिवीजन 5 मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, बाकी असं सारा वेरीफाई करके जो भी बनती कर।